हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बन टक्स बोट नेक सादा ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है, पहले हम कपड़े को नाप लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने बन टक्स बोट नेक ब्लाउज की कटिंग कैसे करी है। तो यहाँ पर हमारा कपड़ा 80 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से बिछा देना है और यहाँ पर किनारी की कटिंग कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। तो तैयार लंबाई हमारी 12 इंच है, जिसमें 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर 14 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से एक सीधी लाइन खींच देनी है। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी शोल्डर की चौड़ाई 13 इंच है, तो 13 को आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर आर्मोल की लंबाई नापेंगे। आर्मोल की लंबाई हम 6 इंच रखेंगे, तो यहाँ पर हमें 6 इंच पर निशान लगाना है और हल्की सी गुलाई कर देना है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो सीने की चौड़ाई हमारी 32 इंच है, तो 32 के चौथाई भाग हुए 8 इंच। तो 8 इंच पर हमें निशान लगाना है, 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर भी निशान को लगा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, कमर की चौड़ाई नापेंगे। तो कमर की चौड़ाई हमारी 26 इंच है, तो 26 के चौथाई भाग हुए 6.5 इंच, जिसमें 1 इंच हम प्लेट के लिए मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर भी निशान को लगा लेते हैं। फिर हम यहाँ पर दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे। तो इस तरह से हमने निशान को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो इस तरह से हमने आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है, देखिए इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, प्लेट का निशान लगाएंगे। तो जहाँ पर हमारी बंद साइड है, वहाँ से प्लेट की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे और यहाँ पर कट लगा देंगे। और यहाँ से ऊपर से टक्स पॉइंट 10 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से एक सीधी लाइन खींच देंगे। और यहाँ पर प्लेट की चौड़ाई 1 इंच रखेंगे, तो इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे। तो इस तरह से आगे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को अच्छे से बिछा देना है। कपड़े की जो बंद साइड है वो हम अपनी तरफ रखेंगे। फिर हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे, बिल्कुल एक बराबर। दोनों पल्ले हमें एक बराबर ही कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर आर्मोल की इस तरह से गुलाई करेंगे, 1 इंच बाहर की तरफ छोड़ के ही हमें निशान लगाना है। और साइड से और नीचे से हम सेम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने 1 इंच बाहर की तरफ गुलाई करके निशान लगाया है। तो अब हम आगे वाले पल्ले को हटा देंगे और इस तरह से पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। यहाँ पर 20 सेंटर पर एक कट लगा देना है। तो यहाँ पर हमने पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, प्लेट का निशान लगाएंगे। तो चौड़ाई में हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे और लंबाई में 4 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे। यहाँ पर हमें कट लगा देना है, इससे हम दूसरी तरफ भी निशान लगा सकें। तो यहाँ पर हमने पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गले का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई हमारी 7 इंच है, तो 7 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है। और गले की लंबाई हम यहाँ पर 2.5 इंच रखेंगे।
तो इस तरह से हमें बॉक्स बनाना है और हल्की सी गोलाई करेंगे। और यहाँ पर गले की फुल लंबाई 10 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे और इस तरह से नीचे से पान शेप में गोलाई कर देंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। इसी तरीके से हम बुकरम पर कटिंग करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को लेंगे और बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आधा इंच पर निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ, और जो हमारा 2 इंच का मार्जिन है यहाँ पर निशान लगाएंगे। और ये ऊपर से यहाँ से बाजू की चौड़ाई नापेंगे, तो बाजू की चौड़ाई हमारी 7 इंच आ रही है। तो 7 इंच की हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमारा नीचे का कपड़ा बचा है, तो इसी में से हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो इसको पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कपड़ा एक बार फोल्ड है, फिर हम इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे। और नीचे से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे नीचे फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। और यहाँ पर हमारी बाजू की लंबाई 4 इंच है, जिसमें आधा इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और बाजू की मोरी हमारी 10 इंच है, तो 10 को आधा करेंगे, तो 5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और ऊपर की तरफ 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से बाजू की गोलाई कर देना है। और यहाँ पर हमारी बाजू की चौड़ाई 7 इंच है, तो 7 इंच पर हमें निशान लगाना है। और इस तरह से दोनों निशान को मिलाएंगे। साइड में हमें मार्जिन लेना है 1.5 या 2 इंच का, तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे और यहाँ पर भी सेंटर पर कट लगाएंगे। फिर हम बाजू को खोलेंगे और आगे की साइड 1/2 इंच की गहराई देंगे। ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ आएगा, तो यहाँ पर कट लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू की कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने बुकरम लिया है, बुकरम को इस तरह से फोल्ड करेंगे। और गले की चौड़ाई हमारी 7 इंच है, तो 7 को आधा करेंगे, तो 3.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और गले की लंबाई हम 2.5 इंच रखेंगे, तो 2.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से बॉक्स बना देंगे। और यहाँ पर हम फुल लंबाई 10 इंच रखेंगे, तो इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ पर बॉक्स बना देना है। ये गला हम बोट नेक में बनाएंगे। तो ऊपर से हमें इस तरह से गोलाई करनी है हल्की सी, और नीचे से हम पान शेप में गोलाई करेंगे, देखिए इस तरह से। और जो हमारी गले की पट्टी है वो हम 1 इंच चौड़ी रखेंगे, 1 या 1/2 इंच चौड़ी रखेंगे। तो इस तरह से हमने गले का निशान लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेते हैं। जहाँ पर हमारा निशान है तो वहीं से हम कटिंग करेंगे। ऊपर से देखिए हमें इस तरह से कटिंग करना है। इससे क्या होगा कि जब हम गले को सिलेंगे तो गला हमारा इधर उधर भागेगा नहीं। तो इस तरह से आपको भी कटिंग कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने पीछे वाले गले की कटिंग कर ली है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आगे वाले गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने बुकरम लिया है, बुकरम को इस तरह से फोल्ड करेंगे। आगे वाला गला भी हम बोट नेक में बनाएंगे। तो गले की चौड़ाई हमारी 7 इंच है, तो 7 को आधा करेंगे, तो 3.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और गले की लंबाई भी हम 3.5 इंच रखेंगे। तो इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर बोट नेक में गोलाई कर देंगे, देखिए इस तरह से। और गले की पट्टी भी हम 1 इंच रखेंगे, 1 या 1/2 इंच चौड़ी हमें रखनी है। तो अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं।
तो देखिए इस तरह से हमने आगे वाले गले की कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर जो हमारा बुकरम बचा हुआ है तो इसमें से हम एक पट्टी की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने पान शेप में एक पट्टी की कटिंग करी है, इसको हम गले के नीचे यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरह से हमने पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है और यहाँ पर हमारे आगे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है और इस तरह से बाजू की कटिंग हो गई है और यहाँ पर हमने पीछे वाले गले की पट्टी कटिंग करी है और इस तरह से आगे वाले गले की पट्टी कटिंग करी है। तो दोस्तों इस तरह से हमने बन टक्स बोट नेक सादा ब्लाउज की कटिंग करना सिखाया है और इसकी सिलाई हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।